हम लोग को वार्ड में मैंने अब शुरू हुआ है, अब जहाँ तक होता है बहुत धन्यवाद बा नए मुल्क अच्छा। मुखिया हो कौ हमारा ऐसा चाहिए उनका ना को जात से मतलब ना को दुश्मन से मतलब ना को हित से मतलब बा काम में एकदम एक नंबर। मुखिया जी ने कितना किया विकास, क्या इनके विकास कार्य से स्थानीय जनता है संतुष्ट? हम दिखाएंगे आपको वार्ड से लेकर टोला मोहल्ला का विकास, कितना हुआ विकास और कितना हुआ विनाश, सिर्फ और सिर्फ न्यूज फॉर लाइफ। नमस्कार, मैं विजय कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर लाइव। पंचायती चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे पंचायतों का दौरा शुरू हो चुका है और इस वक्त मैं पहुंचा हूं दुरौंधा प्रखंड के पिनरथू खुद पंचायत में और यहां के स्थानीय मुखिया नेमुद हक सिद्दीकी हैं और इनके द्वारा पंचायत में किस तरह के विकास कार्य किया जा रहा है इन तमाम तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे। मैं आपको बता दूं कि वार्ड नंबर 1, 2, 3 और 4 में अभी हम जाएंगे और वहां के स्थानीय लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि जो स्थानीय मुखिया है उनके द्वारा इस उनके द्वारा जो विकास कार्य किया जा रहा है किस तरह का किया जा रहा है, क्या वाकई में जो नाला या फिर नल जल का जो योजना है वो धरातल पर है या नहीं है। सर आपके लिए बहुत नीमन का पानी हमने को मिल रहा है। कितने नंबर वार्ड है? 8 नंबर है। अच्छा, पानी के लिए हमने टेंशन नहीं है, 24 घंटा पानी मिल रहा है। रोड का क्या स्थिति है? रोड के वो गली से नापी गया है। नहीं, नहीं, इधर का रोड का क्या स्थिति? इन्हें से रोड एकदम सही है, वो गली के रोड तुम थोड़ा खराब है, हाँ, नापी हो गया है, अभी कुछ कार्रवाई नहीं है। 15 बरस से बुझल गयी नैमूल जी मुखिया भैले तो पहले कि हम भात छिटवा देव रोड पर हमारे हतरा हचार में हमने अवत रहनी है जात रहनी है बुझल नी तो नैमूल जी कहले कि हम बढ़िया बनवाए तो खैर अब पी सी सी वाला बात से हट गए हया गए सरकार के कोनो नियम तो बेचारी बनवा दिले हम एगो और आवे जाए के बाद हम अभी वही से अवतनी नोनिया लो जाता कुल इो बस हेले में 50 गांव के दिक्कत होत रहा नैमूल के करते भैल हवे तो अभी एक जाना हेने रोड निकल के बाद बहुत धन्यवाद बा नैमूल के अच्छा। हाँ आबुर मुखिया हो कौ हमारा ऐसा चाहिए उनका ना को जात से मतलब ना को दुश्मन से मतलब ना को हित से मतलब बा काम में एकदम एक नंबर। पहले ही तो करन रहला माटी रहला तब तो करन भइल बा ई तो करन से पीछ हो गई। अच्छा, नल जल का पानी नहीं मिलेला? ना कहां है ई नखे ई सहिता ना के नल जल का पानी ना मिलेला। अच्छा, नल जल के पानी ना खे लाइन ना खे गए ना लाइन ना खे ये आई रहला फिर हो जाए से ना खे बंद कर देले बन लो। अच्छा, लाइन के कमी बा। किस तरह का यहाँ पे कार्य किया जा रहा है? 4 नंबर वार्ड है, अभी नाला का काम अपने लोग के सामने खुदाया है, उधर नल जल का भी काम हुआ है और तो दूसरा कोई काम नाला नहीं होने कारण यहाँ पे आप लोग किस तरह की समस्या होती थी? बहुत परेशानी होती थी, वहाँ से सब पानी जो है निकलने का कोई रास्ता नहीं था। अब आप क्या सुविधा किस तरह की मिलेगी आप लोग? ये नाला बन जाएगी तो अगल बगल वाले लोग को नाली का सुविधा हो जाएगा। और जगह तो जो हुआ ठीक ही हुआ है, हम लोग को वार्ड में मैंने अब शुरू हुआ है, अब जहाँ तक होता है अब देखा जाए काम हो रहा है। नल जल का पानी उन्हें मिलता है कि नहीं? हाँ, नल जल का पानी चलता है, हर तरह का काम हुआ है सर, जल नल PCC मनरेगा के अंदर रोड फेंकाया गया है, नया रोड का निर्माण हुआ है, वृक्षारोपण का काम हुआ है, हर तरह का काम हुआ है। काम हुआ है जी जी, बहुत संतोषजनक काम हुआ है। जल नल का साधन हुआ है, पानी पीने वगैरह के लिए सब कुछ पानी मिल रहा है और उसके बाद में नल का इसका नाला का किया गया काम अच्छा हो रहा है संतुष्ट है इनके साथ जी। नाम बता दीजिए। आसमान।
जल वाला पानी भेज देखते बनी ना चलता जी पानी चलता वहाँ पर स्केलेटर लागल बा टंकी बैठ गल बा जल वाल में रोड में जो थोड़ा सा काम बा वो सब हो गया है यहाँ पर माटी के रह भगेलू माटी गिरा के करण करा दे रही होने पर से लोग पाइप लगा दे अब ठीक हो गए करण हो गए। 8 नंबर 8 से आते हैं हम पानी वाली नल जल के लेकर बहुत ही व्यवस्था बढ़िया हो गया पानी वानी के सब कोई दिक्कत नहीं है। मेन दिक्कत है रास्ते का जो हम लोग का गली है वो आज तक न गली बना है न नाला भर गया न कोई साफ सफाई होता है। तो खुद के पंचायत के उप मुखिया वार्ड नंबर 08 है अभी तो नल जल का काम क्लियर हो गया है और एक गली है 450 फीट का उसका भी नापी भी करवा दिए हैं एस्टिमेट भी बन गया है 2-4 दिन में काम लग जाएगा। मैं 2 नंबर में वार्ड में हूँ भरमल कर रहे हैं हम यहाँ जल नल का काम पूर्ण हो चुका है गली नली का भी काम पूरा हो चुका है और विकास की जितनी भी चीज़ें होनी चाहिए सरकार की तरफ से जिस तरह से हम लोग को मिला हम लोग वहाँ पहुँचा दिए हैं और यहाँ के लोग हर तरह से मुतमईन है जो सरकार का योजना था हम लोग वहाँ तक पहुँचा दिया। और जिस वार्डो में अभी कमियाँ हैं उसको लेकर के अपने आप क्षेत्र की जनता से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? कमी तो अभी कहीं कुछ नहीं रह गया है हर जगह कमी को पूरा कर देंगे। हमारा 11 वार्ड है 11 वार्ड में जल नल का काम हो गया है एक 6 नंबर का काम रह गया है वार्ड जो हमारा है किसी ठेकेदार को पैसा दे दिया वो पैसा लेके भाग गया है जिसकी वजह से सिर्फ वहाँ टंकी लगना बाकी रह गया लेकिन वो भी हमको लगता है कि 1 हफ्ता के अंदर में वहाँ का भी काम वो लोग पूरा करा लेंगे।